नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वशीकरण स्पेशलिस्ट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने पार्टनर को अपने वश में कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में हो रही है किसी तरह की समस्या, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके पार्टनर किसी और के कहने में आ गए हैं और आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपने रूठे हुए प्रेमी को मनाना, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो 100% काम करता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब इस उपाय को कर रहे हो, नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आपको ये करना है। महिलाएं अपनी माहवारी के दिनों में इस उपाय को बिल्कुल ना करें। ये उपाय बिल्कुल स्वच्छ होकर साफ तरीके से आपको करना है। छोटी छोटी चीजें जो आपको फॉलो करनी होगी दोस्तों, और उसे करके आपका ये उपाय प्रचंड तरीके से काम करता है। इसे अगर आपने एक बार कर लिया तो आपका जो प्रेमी है या आपकी जो प्रेमिका है, वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आ जाएंगी। उन्हें आपसे बेइंतहा प्यार हो जाएगा और आपकी हर बात वो मानेंगी। तो आपको इसे करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको एक लाल रंग का धागा लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मौली है जिसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैं आपको सारी विधि करके दिखाती हूँ हमेशा, इसीलिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। उसके अलावा आपको लेनी है कपूर की टिकिया। आप इसमें कपूर की टिकिया का इस्तेमाल करेंगे। हमें क्या करना है कि हमें इसको जलाना होगा, इसलिए आप कोई ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसमें कि आप कपूर को जला सकें। अब आपको सुबह सुबह आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको बेसिकली ये बात याद रखनी है कि ये आपको दिन के समय करना है, ये आपको रात में नहीं करना है। तो सुबह आप किसी भी समय से कर सकते हैं, बस दिन के समय आप इसे कीजिए। आपको इसे अपने सीधे हाथ पर बांध लेना है। जब आप नहा धोकर साफ कपड़े पहने और उसके बाद लाल धागे को लेकर उसे अपनी कलाई पर बांध लें, और पूरे दिन आपको इसे बांध के रखना है। सूर्योदय के समय, यानी कि जब सूर्य शुरू हो रहा होता है, ये जब दिन शुरू हो रहा होता है, तब आपको ये काम करना है। लेकिन अगर आपके पास समय ना हो तो आप इसे शाम के समय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि उस समय भी दिन होना चाहिए, रात ना हो गई हो। अब आपको ये बांध लेना है और उसके बाद आपको इसे अपने हाथ पे बंधे रहने देना है। रात के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है, आप इसे निकाल लीजिए अपने हाथ में से, और उसके बाद आपको इसे जलाना होगा। दोस्तों, जलाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको क्या करना होगा कि एक बर्तन ले लीजिए और उसके बाद इस धागे को आपको उस बर्तन में रख देना है, और आपको लेनी है कपूर की टिकिया ताकि आप इसे जला सकें। तो आपको बर्तन में पहले तो इस धागे को रख देना है, और उसके बाद कपूर को जलाकर, इस तरह से कपूर जला लीजिए और आपको धागे के ऊपर रख देना है उसे। तो पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इसको जलाएं तो कपूर को जलाकर आपको इसे जलाना होगा। तो इस तरह से आप इसे जलाइए। एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों, ये विधि आपको मंगलवार, गुरुवार या फिर शनिवार के दिन नहीं करनी है। बाकी के दिनों में किसी भी दिन आप इसे कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन आपको मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ये नहीं करनी है। अब इस तरह से इसको पूरी तरह से जला लेंगे, और जब ये धागा पूरी तरह जल जाएगा तो आपकी ये विधि आपको मैं आगे बताती हूँ कि इसे कैसे करना है। तो दोस्तों, जब ये पूरी तरह से धागा जल जाए, और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब तक ये धागा जलता रहेगा तब तक आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र जो कि मैं आपको बता देती हूँ, एक सिंपल सा मंत्र है, ये आपको बोलना है ओम आग्नेय वश्यम स्वाहा, ओम आग्नेय वश्यम स्वाहा, ओम आग्नेय वश्यम स्वाहा। जितनी देर तक ये धागा जलता रहेगा उतनी देर तक आपको मंत्र का उच्चारण करना है। आपको किसी का नाम नहीं लेना है, आपको इसमें किसी भी तरह का जिसके ऊपर भी आप वशीकरण करना चाहते हैं उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके खुद के गंध से किया जा रहा है। इसमें जो हम धागा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आपने पूरे दिन अपने हाथ पे बांधा होगा, तो इस धागे से ही वशीकरण हो जाएगा। और जब ये पूरी तरह से धागा जल जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इस वीडियो में भी कि ये धागा जल रहा है, आप इसे बाद में अच्छे से, जब पूरी तरह जल चुका होगा, तो आप इसे ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा। और उसके बाद आपको इस धागे को लेकर जाना है और ऐसी जगह पर डाल देना है जहाँ पर आपके प्रेमी के पैर पड़ते हों, यानी कि जहाँ पर वो चलते हों, उस जगह पर आपको इसे डाल देना है। अगर उनका पैर इसके एक छोटे से टुकड़े पे भी पड़ गया तो समझ जाइए कि आपका वशीकरण
हो जाएगा पूरा और आपके जो प्रेमी हैं वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार पड़ करने लग जाएंगे, साथ ही साथ आपकी कही हुई हर बात वो मानने लग जाएंगे। तो इस धागे से जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी, ये आपका वशीकरण है दोस्तों। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस धागे को जला रहे होंगे तो अच्छी तरीके से आपको इसे जलाना है। अगर आप चाहें तो और कपूर इसमें डाल सकते हैं जिससे कि ये पूरी तरह से जल जाए और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ज़मीन पर डालने के लिए। वहाँ पर डालना है आपको जहाँ पर आपके प्रेमी चलते हों, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको इसका इस्तेमाल करना है। एक बात और याद रखिए दोस्तों, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग अपने नंबर दे देते हैं, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि हमसे कॉल करके बात करें, कॉन्टैक्ट करें। आपको उन लोगों से बात नहीं करनी है, आपको सच्चे मन से श्रद्धा से इस विधि को करना है। इस विधि को करने से ही आपका काम बन जाएगा, आपके जो प्रेमी हैं वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लग जाएंगे और आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों इस विधि को करके देखिए, ये एक प्रचंड विधि है जो मैंने आपको आज बताई, इससे आपका काम ज़रूर हो जाएगा।